बेसन लिया और इसमें 2 चम्मच डाल के चावल का आटा, जिससे थोड़ी क्रिस्पी बनेंगे। और इसमें डाल देगी चुटकी भर सोडा, तो ये छोटा सा चम्मच थोड़ा सा डालना है इससे। और ये रखा है प्याज काट के लंबा लंबा इसके लिए, तो ये प्याज भी इसमें डाल देंगे। तो हमारे इधर हो रही है खूब बारिश सुबह से, तो मैं सोचा चाय के पकौड़े बनाते हैं, शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं। तो ये आलू है जो मैंने ऐसे लंबे लंबे काटे, ये भी इसी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसमें हम 2 मिर्ची डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 हरी मिर्ची डाल देंगे, तो छोटी छोटी काट के। और डाल देंगे इसमें हल्दी और लाल मिर्ची और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और जीरा डाल देंगे, ये छोटी छोटी चम्मच है, इसमें 2 डाल रही हूँ पर 1 ही चम्मच होगा। फिर इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, हाथ से ही करना पड़ेगा, कड़छी से तो ऐसे नहीं होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बेसन भी, बेसन ये आटा ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हम प्याज के पकौड़े बना रहे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, जितना अच्छे से होगा। तो वो प्याज भी जो पतला पतला काटा जो कट्ठा कट्ठा वो खुल जाएगा और पकौड़े भी क्रिस्पी बन जाएगी। तो अभी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और बनाते हैं पकौड़े और प्याज के पकौड़े। तो प्याज नहीं है, और हमारे घर के साइड में मेन रोड है तो इधर बहुत शोर भी आता है। आज बारिश में किस किस में पकौड़े बनाए, हमने तो बना दिए। आज सुबह से बारिश हो रही है, ये नहीं है कि हम रोज बारिश में पकौड़े बना के, पर आज खाने का मन करा तभी तक तो बना रहे हैं। तो बारिश नहीं आएगी, दिखाई नहीं है अच्छे से वो ये हमारे करारे करारे पकौड़े। चावल का आटा डालते हैं ना तो बहुत करारे से बनते, ऐसे भी ये प्याज के ही है। तो इसको अभी निकाल देंगे हम ऊपर, और इसको निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर जो तेल बचेगा उसमें आ जाएगा। ये निकलेंगे और इसमें और डाल देते हैं।
दो मिनट इसको आने देते, हम क्या ले इसमें थोड़े तो एक थोड़े पकने के लिए इसको दूसरी साइड कर दिए थे। इसको क्या पतला पतला जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसको बदल देते दूसरी साइड इस तरह से, थोड़ी देर में फटाफट बन जाते। प्याज के पकौड़े ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब ये हो गया है, इसको भी निकाल देंगे हम ऊपर। हमारे पकौड़े हो गए तैयार, गैस बंद कर देते और इसको सारे निकाल देते। ये प्याज बेसन के पकौड़े, तो ये हमारे पकौड़े हो गए तैयार और चाय भी हो गई तैयार। तो अभी हम लगाते हैं इसको चाय और पकौड़े खाने के लिए लेके जाते हैं। और आप मेरे वीडियो को करना लाइक सब्सक्राइब शेयर और जय माता दी। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।